दशहरा पर्व मनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, गंगा दशहरा गंगा में नहाने एवं पतंग उड़ाने का त्योहार है। यही सोचते हुए दशहरा के पावन पर्व पर DTS के अध्यक्ष आकाश राघव और माही हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष महक श्रीवास्तव द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए पतंगें, पतंग उड़ाने के लिए मांझा, टिफिन बॉक्स, टॉफी मास्क आदि वितरित किए गए। माही हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और DTS के अध्यक्ष आकाश राघव द्वारा अक्सर ऐसे सराहनीय कार्य किए जाते हैं। अक्सर गरीब लोगों की हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनको समय समय पर जिस चीज़ की भी जरूरत होती है, पूरे मथुरा की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उनको देने का काम किया जाता है। DTS के अध्यक्ष आकाश राघव द्वारा बताया गया कि हमें दशहरे के पावन पर्व पर सबको खुशियाँ बांटनी चाहिए। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं, खुशियाँ कम नहीं होती। इसी वजह से आज हम सब लोगों ने यह नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ सामान देकर उनके साथ दशहरा की खुशियाँ मनाई। और हमारी लोगों से यही अपील है कि नन्हे मुन्ने और झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए भी हर किसी को सोचना चाहिए। आखिर वो लोग भी इंसान हैं, उनके घर में भी खुशियाँ होती हैं और इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से घर बनता है। इसीलिए त्यौहार पे हमेशा हम लोगों को त्यौहार पे अपने बर्थडे वाले दिन या अपने जन्मदिन वाले दिन या अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन हमें यहाँ गरीब बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए और इनके साथ में अपना त्यौहार मनाना चाहिए। इनके साथ खुशियाँ बांटने से एक अलग ही खुशी मिलती है जो कि हम सब लोगों को आज महसूस हुई और यह सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सभी लोगों का यही कहना है कि आगे भी हम इसी तरह से यही काम करते रहेंगे और इस काम को हमेशा हम लोग बढ़ावा देंगे। इस मौके पर आकाश राघव, दीपक गोस्वामी, नकुल अग्रवाल, देव ठाकुर, भावना शर्मा, गौरव, महक श्रीवास्तव, खुशबू श्रीवास्तव, गोपाल ठाकुर आदि रूप से मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना शर्मा है। क्या कार्यक्रम हुआ आपका? यहाँ पर डिजायर टू सक्सीड के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, यहाँ पर हमारे स्टीच स्कूल में आए हैं और आज यहाँ इन्होंने बच्चों को गिफ्ट प्रोवाइड कराए हैं। पतंग, सद्दा, स्वीट्स, फ्रूट्स, टिफिन, टॉफीज, काफ़ी चीज़ें बच्चों को दी हैं। बच्चे बहुत खुश हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये समय समय पर इसी तरह सामाजिक कार्य करते रहेंगे और बच्चों के बीच में जाकर बच्चों को खुशियाँ इस तरह से बिखेरते रहेंगे। ये 100 करोड़ पर है, हम इधर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वो स्लम्स एरिया है जहाँ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, मैं डिजायर टू सक्सीड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ और आज का जो हमने कार्यक्रम है वो अपने बड़े भाई मानवेंद्र सिंह राघव जी की पूर्ण पावन स्मृति में किया गया है। और ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पतंग, टिफिन, टॉफीज, केले और मतलब पतंग का सद्दा जो होता है वो, और भी कई सारे गिफ्ट आइटम बच्चों को बांटे गए हैं और हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपनी पूरी युवा टीम का कि वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहती है, एवं अपने पूरे वरिष्ठ समाज सेवियों का, जैसे आदरणीय दीपक गोस्वामी जी, अतुल उपाध्याय जी, भावना मैम जी, मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और पूरे मथुरा की झुग्गी झोंपड़ियों तक हम लोगों ने उन तक सामान पहुँचाया। मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, तहे दिल से आभारी। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर नकुल अग्रवाल। आप इस तरह प्रोग्राम करते हो, बहुत लोगों से क्या अपील करना? बहुत लोगों से मेरी सभी से ये अपील रहती है लगभग कि जो भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीखें। जैसे हम छोटे बच्चों को ये सब झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं या स्ट्रीट स्कूल में पढ़ते हैं, आज हम आए हुए हैं जैसे 100 करोड़ पे, तो इन बच्चों, स्ट्रीट स्कूल के बच्चों को यहाँ पर हमने लंच बॉक्स दिए हैं, केले दिए हैं, खाने पीने को सामान दिए हैं और पतंग वगैरह जो है हमने वितरित किए हैं। तो हम लोग ये एक जो हमारा मोटिव रहता है कि ये बच्चों को शिक्षा पहुँचे कि हमें सिर्फ गिफ्ट्स के साथ साथ ही खुशियाँ भी बांटनी है। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो बच्चे हम देखते हैं काफ़ी खुश रहते हैं, तो बस यही है कि हैप्पीनेस जो होती है वो हमेशा बच्चों के चेहरे पर जो है बनी रहे। आज ऐसे कार्यक्रम सुबह से 2 या 3 कर चुके हैं क्योंकि अलग अलग संस्था के साथ, तो सभी कार्यक्रम में यही हमारा उद्देश्य रहा है कि सभी को खुश रखना है, सभी बच्चों को। मेरा नाम है दीपक। आज का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में अद्वितीय और अनूठा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की जो एक मूल बिंदु पर अगर बात करें तो वो ये है कि खुशियां बांटना। जिंदगी में पहली और अंतिम बात है
खुशियों को समेटना और खुशियों को बांटना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ देना जानते हैं और कुछ लोग लेना जानते हैं। लेने वाले बहुत हैं, लेकिन देने वाले हाथों को जो खुशियां मिलती हैं उसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि इंसान की चाहत कभी पूरी नहीं होती, बशर्ते दोनों हाथ में आसमान समेटना आना चाहिए। आज ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये भविष्य है देश का। अगर इनको पर्वों के साथ, त्योहारों के साथ, संस्कृति के साथ, सनातन धर्म के साथ, राष्ट्रभाव के साथ इनको जोड़ करके शिक्षा की मूलधारा से जोड़ा जाए तो मेरा मानना है हम तीन काम में सफल होंगे। पहला, इन बच्चों का शैक्षिक विकास होगा। दूसरा, इनके जीवन में उन्नति आएगी। और तीसरा, हमारे नए राष्ट्र का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।